नहीं करना। आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो रविदास धर्म को पैदा करने की कोशिश कर रही है, जो अभी तक आइडियोलॉजी अंबेडकरवादी आइडियोलॉजी थी उसमें से रविदास धर्म के लोग थे उसको पैदा करने की कोशिश कर रही है, यानी तोड़ने की कोशिश नहीं है। व्यक्ति खराब हो सकता है, व्यक्ति में प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे में प्रॉब्लम हो सकती है, और लोगों में प्रॉब्लम हो सकती है। एक व्यक्ति है, व्यक्ति संगठन नहीं है, व्यक्ति विचारधारा नहीं है। इसलिए विचारधारा से जुड़ो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फूले कबीर रविदास जी की जो विचारधारा उससे जुड़ो, उस विचारधारा को घर घर में पहुँचाने का काम करो, हमारा ये मकसद है। सोशल रिफॉर्म पे काम करने की जरूरत है और अवेयरनेस लाने की जरूरत है। बहुत जरूरी है देश के, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल अवेयरनेस तो नहीं है देश के अंदर। जो काम भीम आर्मी का जो काम था, जो लोगों ने कहा था कि अब कुछ क्रांति आएगी, क्रांति आएगी, नीली क्रांति आएगी, नीली क्रांति जब आएगी तो नीली क्रांति कैसे आएगी? नीली क्रांति कलम से आएगी और इस भारत के संविधान से आएगी, इस संविधान से आएगी नीली क्रांति, नीली क्रांति। हाँ, लेकिन लोगों को जो समझाया जा रहा है, अगर हाँ संविधान में और आईपीसी में अधिकार है हमें सेल्फ डिफेंस का, अगर कोई व्यक्ति हमें परेशान करता है, मारता है, तो हमें सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, हमें हथियार उठाने का भी अधिकार है। हमें हथियार उठाने के लिए मैंने कहा, मगर जब उठाओ, जब सेल्फ डिफेंस करने के लिए उठाओ, क्योंकि हम बुद्ध के मानने वाले हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, हम संविधान के मानने वाले हैं, तो हम संविधान की बात करेंगे, कलम की बात करेंगे, हम लड़ाई और डंडों की बात नहीं करेंगे। तो ये जो जंग जीती जाएगी, ये वैचारिक जंग है, ये वैचारिक जंग है, ये विचार से जीती जाएगी। कुछ सवाल ऐसे थे कि जैसे छान में जो केस हुआ था, अभी रविदास मंदिर मामला था, उसमें छान में लोग जेल गए और उन पर मुकदमा, लेकिन एक ही झटके में वो वापस कर दिए गए, गवर्नमेंट उन तमाम मुकदमों को वापस कर दी। क्या लगता है आपको कि क्या कहाँ तालमेल हो गया है, सरकार कहाँ मतलब ये सब करने के लिए तैयार हो गई है, यहाँ तक कि अभी जमानत के लिए भी तैयार नहीं हो रही? बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन वाजिब क्वेश्चन है, क्योंकि जो सरकार तोड़ना चाहती है, सरकार भी जाति में से जाति को भी तोड़ना चाहती है। एक विशेष जाति के लोगों को सरकार ये बताना चाहती है कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं। मतलब जाति में से जैसे जाटव हैं, जाटव हैं, रविदासी है, चमार है, वाल्मीकि है, पैदा करना चाहते हैं। हाँ, जो माननीय काशीराम साहब का कॉन्सेप्ट था, जो बाबा साहब का कॉन्सेप्ट था, बाबा साहब डॉक्टर मेरी किताब लिखी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का उन्मूलन, जातियों को तोड़ना, मगर माननीय काशीराम साहब ने पढ़ के बोला कि मैं जातियों को नहीं तोड़ सकता हूँ, मगर जातियों को जोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने सारी जातियों को जोड़कर बहुजन समाज बनाया। आज बीजेपी ये चाहती है कि उन जातियों को तोड़ दें, उन बहुजन समाज को नष्ट नाबूद कर दें। तो वो ये बताना चाहती है कि हम कुछ चंद लोगों को फ़ायदा देना चाहते हैं। जैसे 96 लोग हैं, 96 लोगों का मुकदमा वापस लेने का मकसद यही है कि वो कुछ चंद लोगों को, मतलब कुछ समाज के लोगों को ये बताना चाहते हैं नेताओं को कि देखो हमने उन लोगों की तो ले लिया, इनके लोगों को नहीं ले रहे हैं। तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि तुम अगर इतने ही दलितों के हितैषी हो, इतने ही बहुजन समाज के हितैषी हो, तो 2 अप्रैल को जो लाखों करोड़ लोग जेल में गए थे, 2 अप्रैल को जो लोग मरे थे, उनके मुकदमे कब वापस लोगे, ये बता दो उसमें। अगर तुम उनके मुकदमे वापस लोगे तो तुम बहुजन समाज को नहीं तोड़ना चाहते। क्या आपको नहीं लगता अगर तुम उनके मुकदमे वापस नहीं लेते तो प्लानिंग थी कि इस तरह का कोई मुकदमा होगा, इस तरह के जो अगर मंदिर की वो जमीन थी, अगर सरकार ऐसे ही उसे लेना चाहती थी और इस तरह का कोई एक्शन करते हैं लोग या अनुयायी जो थे रविदास जी के, तो यही फिर एक उन्होंने अपनी पूरा एक जाल बनाया, उस जाल में जो लोग थे जो फंसते चले गए और फिर बाद में ये सब कुछ कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कांग्रेस, ये तो बीजेपी का जाल ही था, और बीजेपी ने ये साबित भी कर दिया। देखो जो जमीन थी वो कमेटी के पास थी, मगर आज कमेटी के पास नहीं है, आज बीजेपी के पास जमीन हो। सरकार को 6 हफ्ते के अंदर एक कमेटी बनानी पड़ेगी और सरकार को पूरा अधिकार दे दिया है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे तो जजमेंट में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पूरा अधिकार दे दिया है, सरकार ये निश्चित करेगी कौन कमेटी में रहेगा, कौन कमेटी में नहीं रहेगा। तो सरकार के जो अपने लोग हैं, जो सरकार के साथ में जो कुछ दलाली करते हैं, उन लोगों के नाम होंगे, सीधी सी बात है। तो सरकार के हाथ में सब चीज़ें व्यवस्था चली गई हैं और सरकार ने 96 लोगों के, जो निर्दोष लोग थे 96, उनके मुकदमे वापस करके ये दिखा दिया कि हम तुम्हारे लिए कितने शुभचिंतक हैं। वो दिल्ली में आने वाले चुनाव के लिए भूमिका बना रही है सरकार। तो हम उनको कहना चाहते हैं, भीम आर्मी जो परिवार है वो बीजेपी सरकार को कोई एक वोट देने वाली नहीं है। बीजेपी सरकार ये सोच रही हो कि हम तुम्हें वोट देंगे, हम अपनी आइडियोलॉजी को जिंदा रखने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम किसी के षड्यंत्र को, किसी षड्यंत्र को, जो षड्यंत्रकारी हैं उनके षड्यंत्र में भागीदारी होने के लिए काम नहीं कर रहे हैं हम। यानी आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो रविदास धर्म को पैदा करने की कोशिश कर रही है, जो अभी तक आइडियोलॉजी अंबेडकरवादी आइडियोलॉजी थी उसमें से रविदास धर्म, मतलब रविदास जो धर्म के लोग थे उसको पैदा करने की कोशिश कर रही है, यानी तोड़ने की कोशिश नहीं। अब देखो, जिनका भी है, चाहे बीजेपी हो चाहे और अन्य लोग हों,
अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आइडियोलॉजी को तोड़ना चाहते हैं, और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी इस देश में टूटेगी तो इस देश के अंदर संविधान की बात नहीं होगी, फिर जो वो हिंदू राष्ट्र इसको बनाना चाहते हैं वो उसमें कामयाब होंगे। कल का जजमेंट आपने देखा, कल का जजमेंट देखा, वो आस्था पर आधारित है। तो ये देश आस्था पर चलेगा या संविधान पर चलेगा, मैं सवाल करना चाहता हूँ। तो ये देश संविधान पर चलेगा, आस्था पर नहीं चलेगा, क्योंकि आस्था तो सब लोगों की होती है, ऐसा नहीं है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या यही एक मकसद था, मतलब ये चीज सामने आ रही थी आपके, और इन चीज़ों को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित थे? हम बहुत चिंतित थे, हम संगठन को लेकर चिंतित थे, क्योंकि संगठन में जब व्यक्तिवाद हो जाता है, संगठन क्या है, संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन है, भारत एकता मिशन भारत को एक करने का मिशन।